संतु जी आप अचानक से इसे बाहर से भाग के आ गए, क्या हो गया? सब ठीक तो है ना? शर्म नहीं आती तुझे? इससे शादी करेगा तू? हाँ 15 साल की है ये, 10th स्टैंडर्ड में पढ़ती, तू इससे शादी करेगा? देख, अरे संतु जी इसे देख। चीते क्या कर रहा है तू? मैडम सर, इतना टोपा आदमी हो मैं तुम्हारी। करिश्मा सिंह रुकिए, ये आप क्या कर रही है? छोड़िए उसे। मैडम सर करिश्मा सिंह रुकिए। करिश्मा सिंह स्टॉप। सॉरी तुमको नहीं मार रहे थे, और तुम, हम जगह जगह घूम रहे हैं सोच रहे हैं कि ये सब खत्म कैसे करें, और तुम खुद ही एक नाबालिग लड़की से शादी कर रहे हो। तुमने एक बार भी नहीं सोचा हमें पता चलेगा तो तुम्हारा क्या हाल होगा? अरे मैडम मैडम मैडम, अरे हम सचमुच में शादी करने थोड़ी गए थे वहाँ पर। तो फिर झूठ 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 बोल रहे हैं। हाँ मुझे शादी करने जा रहा था। हमको बता के चला गया। अरे मैडम हमारी माँ हमको कसम दी, इसलिए हम वहाँ पर लड़की देखने गए थे। वहाँ पर जाकर हमको पहले ही से सब कुछ अजीब लग रहा था। वहाँ पर स्कूल ड्रेस देखकर हम पूछे भी किसका स्कूल ड्रेस है। हाँ फिर भी तुमको नहीं समझा क्यों नाबालिग है? अरे उसके माँ बाप बोल रहे थे तो हम मान लिए। और तुमने विश्वास कर लिया? मैडम 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 हम सचमुच में वहाँ पर प्यार थोड़ी करते हैं कि वो लड़की शादी कर लेंगे। और अब ये बात तो जग जाहिर है, जमाना जानता है, पूरा संसार को मालूम है कि हम कब का अपना दिल किसी और को दे चुके सनम। हाँ झूठे, मैं कसम से दे दी। अरे भक्त, तूने खुद मुझे बोला था तू ही लड़की से शादी करेगा। अरे जलस जलस भलाई का तो जमा नहीं रहा। चीता तुमने भले ही उस लड़की को मना कर दिया है, लेकिन अगर उसके माँ बाप ने ठान ली है तो वो कुछ भी हो जाए उस बच्ची की शादी करवा के रहेंगे, फिर चाहे तुमसे करवाएं या किसी और से। इनफैक्ट हो सकता है कि फिलहाल वो उसकी शादी की तैयारी कर रहे हो, इससे पहले कि उसके माँ बाप उसकी शादी करवा दें हमें उन्हें रोकना होगा। शुक्ला जी। हाँ तो हम ये रिश्ता पक्का समझे? अरे मिश्रा जी आप क्या कर रहे हैं? दो इमर थी, 3 जिलेबी, 10 पेड़े और 15 बर्फी खाने के बाद भी आप ये पूछे कि समझे कि नहीं समझे? क्या डायबिटीज करवाओगे क्या? ठीक है आपकी तसल्ली के लिए लड़के से ही पूछ लेता हूँ, आप इस लड़की के साथ शादी करने के लिए तैयार हैं? हम तो कब से रेडी बैठे हैं। मुबारक हो, मुबारक हो। मुबारक हो, मुबारक हो आपको चाचा जी। मिश्रा जी बहुत बहुत बधाई ना। मुबारक हो, अब मेरा कमीशन पक्का है। वाह प्रभु वाह। एक कदम भी आगे बढ़ाया मेरा मरा मुंह देखेगी लता, भगवान कसम गले में फंदा डालकर आखिरी बार कह रहा हूं बेटा, चुपचाप जहां हम कहते वहां शादी कर ले। तू क्यों नहीं समझती मेरी जितनी औकात थी मैंने उससे ज्यादा तुझे पढ़ाया। थोड़े से पैसे जोड़ रहा हूं तेरी छोटी बहन के शादी के खर्चे के लिए। मेरे जिंदा रहते तुम दोनों बहनों की शादी हो जाए तो समझो मेरा जीवन धन्य हो गया। मान जा बेटा। चीता चतुर्वेदी तुम लेकर चलोगे हमें लता के घर। कहाँ है उसका घर, कहाँ रहती है, क्या एड्रेस है? जी मैडम सर, लेकिन उसका एड्रेस भूल गए हैं हम, हमको नहीं पता है मैडम सर। क्या? हाँ हाँ मैडम सर, क्या है ना कि उसका घर नया नगर में है, और आप तो जानती हैं कि नया नगर कितना घीचर पिचर है, मतलब एकदम चाइनीज नूडल के जैसा इसे एक दूसरे के अंदर चढ़ा हुआ, मकड़ी के जाले के जैसा फैला हुआ। एक गली में घुसो तो 1000 गलियां खुल जाती हैं। जाते समय तो सबको याद रहता है कि ये गली में जा रहे हैं, पर निकलते समय किसी के बाबूजी को याद नहीं रहता कौन से गली से निकलना है, इसलिए उसका एड्रेस भूल गए मैडम सर, सॉरी। कोई नंबर वंबर किसी का कुछ तो होगा? बिचौलिया का नंबर है, वो भी हमारे बुआ जी के पास है, वही तो लेकर गया था हम लोग को लता के घर पे। एक काम करेगा चीते, हुक्म तो दीजिए संतोष जी। अपनी बुआ को फोन लगाओ, बुआ से बिचौलिए का नंबर लो और बिचौलिए से लता के घर का एड्रेस पूछो अभी।
बुआ नहीं है। संतू जी वैसे बुआ है लेकिन क्या है ना कि हमारी बुआ जी कल ही मानसरोवर के यात्रा पे निकली हैं। हमारी बुआ जी ठहरी बहुत सीधी सादी औरत, तो उनके पास फोन नहीं है, तो सबसे पहले हम लोग को ट्रेवल एजेंसी को फोन करना पड़ेगा और पूछना पड़ेगा बुआ जी कहाँ पे हैं, बुआ जी का एड्रेस लेना पड़ेगा, उसके बाद से बुआ जी के पास जाना पड़ेगा, बुआ जी से फिर पूछना पड़ेगा बिचौलिए का फोन नंबर क्या है, बिचौलिए से लता का एड्रेस लेंगे तो पता करना पड़ेगा लता। सुन नजर, आपने दिमाग पे जोर डालना और याद करने की कोशिश कर कि वो लता का पता क्या है। दे रहे हैं, बहुत जोर दे रहे हैं लेकिन क्या करें, हमको याद ही नहीं आ रहा है। संतोष शर्मा, वो बाहर जो आर्टिकल लगा हुआ है वो लेकर आइए, उसमें कोचिंग क्लासेस का नाम है, उसी से पता चलेगा लता के घर का एड्रेस। लाइए। वाओ मैडम सर, यू आर जीनियस टू। जाइए जाइए, पहले लेकर अभी लेकर आती हूँ। करिश्मा सिंह का है? अरे हाँ, यही तो खड़ी थी वो। मैडम सर, प्रॉब्लम है, मैंने जहाँ पेपर लगाया था वहाँ पे पेपर है ही नहीं। ले गई ले गई, करिश्मा मैडम ले गई। फोन लगाइए तुरंत, करिश्मा सिंह का फोन लगाइए और पूछिए जहां कहीं भी ये सब छोड़ छाड़ कर वापस आए। मैडम से फोन नहीं उठा रही करिश्मा मैडम। फिर से करिए, करते रहिए, ऐसे कैसे नहीं उठाएंगी। शर्मा जी, हमारे कोचिंग सेंटर के बच्चे कभी फेल नहीं होते, समझे आप। ए राहुल, कोचिंग क्लास। एक मिनट जी। मैडम, इसको जानते हो? जी मैम। कहाँ रहती है ये? आगे से राइट ले लीजिए आप, आपको ही मिल जाएगी कोने पे। पक्का? पक्का। ठीक है, धन्यवाद। ये तय हो गया कि दोनों पक्ष की हाँ है शादी के लिए, तो एक काम करते हैं, फटाफट पंडित जी को बुला लेते, खुशखबरी सुना देते और अच्छा सा मुहूर्त निकलवाते। हाँ हाँ, क्यों नहीं। क्या बात है, बच्ची का ब्याह रचा रहे हो और हमको बुलाना भूल गए। वैसे हमारी याददाश्त कमजोर ना हो तो तुम वही वकील हो ना, सेशन कोर्ट के, जिसने पिछले साल डोमेस्टिक वायलेंस में एक लड़के को बेल पर छुड़ाया था। क्या नाम है तुम्हारा? प्यार से लोग मुझे शुक्ला जी कहते हैं। हाँ तो शुक्ला जी, वकील हो ना तुम, एक नाबालिग बच्ची का ब्याह हो रहा है तो ये नहीं बता पा रहे हो कि ये गैर कानूनी है? अरे क्या बात करती है मैडम, अरे वकीली के साथ साथ अगर हम कोई और भी काम करें तो इसमें कोई कानूनन धारा नहीं टूटती। आप कहे तो आपके लिए भी पाकर नौजवान ढूंढ ले। अम्मा तुम्हारी मैया की गंगा मैया, ज्यादा ना ओवर स्मार्टनेस झाड़ने का जरूरत नहीं है हमारे सामने, वरना तुम्हारी सारी ये धारा है ना, ये धरी की धरी रह जाएगी और मुंह से एक कोई बात निकलेगी। दरोगा जी देखे तो बहुत, पर तुम सा ना देखा। नाबालिग बच्चों का ब्याह कराते हो टोपा पहन के। मैडम जी ये गलत है, इस तरह आप जबरदस्ती नहीं कर सकते किसी के घर में घुस के। तुम कौन हो बे? अरे यही तो लड़का है जिसके साथ लड़की की शादी होने वाली है। अम्मा तुम आदमी हो या ढोर ढंगर, तुम्हें दिखाई नहीं देता है वो बच्ची नाबालिग है? मैडम प्लीज, होने दी ना शादी मेरी, और वैसे भी किसने कहा ये नाबालिग नहीं है मैडम। हाँ बिल्कुल नाबालिग नहीं है, बालिग है, इनके माता पिता की मर्जी से ही ये शादी हो रही है। ये देखिए, ये इनके पिताजी है, ये माताजी है, ये चाचा चाची जी है, और आप चाहे तो लड़की के स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट और बर्थ सर्टिफिकेट देख सकते। मैं भाग, 50-50 रुपए में बिकते हैं ये सर्टिफिकेट और डिग्री, हमको दिखा रहे हो तुम। तुम हटप, इसको देख के हम बोल सकते हैं कि ये 10वीं कक्षा में पढ़ रही है, तुमको नहीं दिखाई दे रहा है? अरे तो उसकी वजह भी वो खुद ही है, अगर एक ही कक्षा में तीन तीन साल निकालेगी तो 10वीं में ही रहेगी ना। अरे उनके पिताजी से पूछ लीजिए, आप आइए और बताइए। अरे बताइए, हमने गुनाह थोड़ी ना किया है। हाँ हाँ। अरे क्या हाँ हाँ, खुलकर बताओ। वो बालिग है और हम उसके माँ बाप है, हम अपनी मर्जी से उसकी शादी करा रहे हैं। आप बीच में बोलने वाली कौन है? भाग, ज्यादा नौटंकी करने का जरूरत नहीं है हमारे सामने, हम अच्छी तरह से समझे कि तुम दोनों मिलके ये चाल खेल रहे हो और जबरदस्ती इसका शादी करवा रहे हो जबकि ये नाबालिग है। और तुम
माँ बाप कहलाने के लायक। छोड़िए इन्हें, क्या कर रहे हैं आप ये? मेरे साथ कोई जबरदस्ती नहीं हो रही है, मैं ये शादी अपने खुद के मर्जी से कर रही हूँ। मैं 18 प्लस हूँ और मैं पूरी तरह से बालिग हूँ, मैं खुद के डिसीजन खुद ले सकती हूँ। देखो लता, हम जानते हैं कि ये जो तुम कर रही हो ना, किसके दबाव में कर रही हो। तुम बिल्कुल मत डरो, हम हैं तुम्हारे साथ, हम तुम्हारा साथ देंगे। तुम बस, तुम ये सब नहीं चाहिए मुझे किसी की मदद। छोड़ दीजिए मुझे अकेला, चले जाइए यहाँ से। देखो हम, अगर आप अभी इसी वक्त ऐसे नहीं गए तो मुझे मजबूरन आपके अगेंस्ट कंप्लेन करनी होगी। सो प्लीज चले जाए यहाँ से। क्या है संतु? करिश्मा मैडम, अब जहां कहीं भी है, मैडम सर ने आपको फौरन थाना बुलाया है। हाँ, आ रहे हैं हम। आ रही है वो। बाय। जब से हमारी जिंदगी में आई है ना, सुकून के दो पल तक हमें नसीब नहीं हुए। घर में बहू हो तो बवाल, यहाँ सीनियर हो तो बवाल। अब हमेशा ना डर लगा रहता है कि पता नहीं अब नया कौन सा बवाल खड़ा कर देगी। अब गई है ना बाहर, जरूर कुछ ना कुछ करके आएंगी वो। पुष्पा जी, हॉस्पिटल चलते हैं। करिश्मा मैडम जब भी किसी को तोड़ती है ना, हॉस्पिटल जरूर पहुंचाती है। अब कहाँ अस्पताल घूमते फिरेंगे, लता के घर चलते हैं, चलो। नहीं 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 नहीं, नहीं पुष्पा जी, मैं कह रही हूँ ना, हॉस्पिटल ठीक रहेगा, हॉस्पिटल चलते हैं। हम हमारे बहू रानी को बहुत अच्छे से जानते हैं। बस कीजिए आप लोग, जब देखो तब कोई ना कोई किसी ना किसी से बहस ही करता रहता है, कभी कोई मुद्दे की बात करेगा। जैन मैडम सर आ गई आप। क्या है, कहाँ गई थी आप, बताकर नहीं जा सकती थी? हसीना मैडम थी ना यहाँ, ऐसे कैसे बिना किसी ऑर्डर के आप कहीं भी जा सकती हैं? थाने के कोई कायदे कानून है कि नहीं? करिश्मा मैडम, अभी जिन्हें आप तोड़कर आई हैं वो कहाँ है, इस बार हॉस्पिटल में या डायरेक्ट शमशान? संतु, हमने इतना परेशान आपको आज से पहले कभी नहीं देखा, कुछ तो हुआ है। कोई जबरदस्ती नहीं हो रही है मेरे साथ, मैं ये शादी अपने मर्जी से कर रही हूँ। मैं 18 प्लस हूँ और मैं पूरी तरह से बालिग हूँ, मैं खुद की डिसीजंस खुद ले सकती हूँ। हे भगवान, लड़ो और लड़ो, और किसके लिए लड़ रहे हो? वो लड़की खुद कह रही है कि मैं बालिग हूँ। हो सकता है ना पुष्पा जी वो सच बोल रही हो सकता है वो बालिग हो। अरे मगर वो 10वीं कक्षा में पढ़ती है। पुष्पा जी 3 साल फेल भी हुई है वो। नामुमकिन और निहायती बेदलील। करिश्मा सिंह, वो आर्टिकल दीजिए। ये रहा सबूत, 10वीं कक्षा के टॉपर्स के साथ छपी हुई लता की ये फोटो। ये इस बात को साबित करता है कि ये बच्ची नाबालिग है। नाबालिग है मैडम सर, नाबालिग है, इसलिए हम उसका मदद करने गए थे। लेकिन जो खुद का ही मदद नहीं करना चाहता, उसका कोई क्या मदद करेगा? मदद तो इसे चाहिए, हो सकता है कोई मजबूरी हो। ये बच्ची नाबालिग है, इस बात का हमें सबूत इकट्ठा करना होगा। इसका ध्यान भी उन्होंने बहुत अच्छे से रखा है मैडम सर। ये चीता जिस बिचौलिए की बात कर रहा था वो शुक्ला, वो सेशन कोर्ट का वकील है और एज का सारा सबूत वो इकट्ठा करके रखता है। फिर तो एक ही रास्ता बचा है हमारे पास, लड़की का कन्फेशन। अगर वो ये कह दे कि उसके साथ ये सब जबरदस्ती हुआ है, तभी हम ऑफिशियली कुछ कर पाएंगे। पर कैसे मैडम सर, अगर तब तक लता के घर वालों ने उसकी शादी करा दी तो रुकवा देते हैं शादी। कैसे? एक आइडिया है हमारे दिमाग में, लेकिन उसके लिए हमें किसी की जरूरत है। किसकी? अरे चलो चलो चलो, बैठे क्यों हो, हमें निकलना है ना। पर औरतें तो तैयार हो रही हैं।
अरे औरतों को बोलो कि वहाँ जाकर तैयार होना है, यहाँ पे नहीं। पंडित जी का फोन आ गया था कि 15 मिनट में वो वहाँ पे पहुँच रहे हैं, हमें भी वहाँ पे पहुँचना है 15 मिनट में। अरे वाह भाई साहब, बुलाओ बुलाओ। हाँ चलो चलो जल्दी बुला, जल्दी तैयार हो जाओ। हेलो हेलो हेलो, हाँ प्रणाम शुक्ला जी, हम बोल रहे हैं। तो यहाँ पे भी हम बोल रहे हैं, हम मतलब शुक्ला जी, तो वहाँ पे हम मतलब कौन? अरे हम चीता चतुर्वेदी बोल रहे, शकुंतला जी के बेटे, याद है? हाँ हाँ, चीता चतुर्वेदी। चीता मतलब वही ना जो कल धूम दबा कर भाग गया था। नाराज है क्या अभी तक? हाँ तो क्या नागिन डांस करूँ है तुम्हारे लिए? अरे शुक्ला जी, अभी तक वही बात लेकर बैठे हुए हैं आप। अरे बच्चे हैं, हो गई गलती, माफ कीजिए। क्या है ना कि कल रात में हमने बहुत सोचा। सोचा? अच्छी बात है, सेहत के लिए सोचना अच्छी बात है, लेकिन हमें काहे बता रहे हो? अरे लड़की के बारे में सोचा शुक्ला जी, और फिर उसके बाद से हमको ऐसा लगा कि हमारी जिंदगी में लता से बढ़िया सुंदर सुसज्जित सुशील लड़की जो है वो मिलेगी नहीं। हाँ तो पूछिए लड़की वालन से किस दिन बारात लेकर आए हम। नहीं नहीं, अब कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि लड़की का रिश्ता कहीं और तय हो गया है। क्या 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 क्या, क्या, क्या? मतलब 15 मिनट के अंदर हम लोग मंदिर जाने के लिए निकल रहे हैं शादी के लिए। फोन रखो तुम। सुनिए तो, सुनिए, गुस्सा बहुत जल्दी जाते हैं आप। सुनिए तो हमारा बात तो सुनिए। क्या? अरे अब सब कुछ आपके हाथ में है प्रभु, त्रिकालमय है आप। आप चाहेंगे तो कहा नहीं हो सकता है, करवाइए कैसे भी करके शादी। अरे नहीं नहीं, हमसे अब कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि हमने कमीशन ले लिया है। तुम रखो फोन। पॉज कर है? क्या? अरे पैसे पैसे कितने मिले हैं आपको कमीशन में, वो तो बताइए। तुम्हें क्या मतलब? 100 रुपए ज्यादा ले लीजिएगा। हैं? दो गुना ले लीजिएगा हमसे। क्या बात कर रहे हो तुम? अच्छा 3 गुना ले लीजिएगा। खुश? अरे दिमाग तो ठीक है तुम्हारा। 1000 रुपए कौन दे रहा है आपको? हैं? 1000 रुपए कौन दे? 1 लाख? हमको नहीं करना है। 1 लाख रुपए ले लीजिए आप हमसे। हम मार रहे लोग, हमको नहीं करना है। हाँ शुक्ला जी, हमको नहीं करना है, हम नहीं करेंगे। ये भी मारेंगे। हाँ शुक्ला जी, हम 50,000 रुपया कैसे देंगे एडवांस? और शुक्ला को खरीदना चाहते हो? अरे शुक्ला जी, हेलो हेलो हेलो, अरे जवाब तो दो। हेलो, 1.5 लाख रुपए बिकाऊ नहीं है शुक्ला, कसम से नहीं करें। हेलो हेलो, 2 लाख शुक्ला का ईमान इतना सस्ता नहीं है। 2.5 लाख रुपए शुक्ला जी। 2,75,555 रुपए फाइनल डील। ठीक है, लेकिन हमारी भी एक शर्त है, शादी कल ही होगी। बोलो तैयार हो? कल 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 मंजूर है। ठीक है तो कल 10:30 बजे आप रंग महल हवेली पहुंच जाइएगा। क्या शुक्ला जी, अभी रंग हवेली शौक चढ़ रहे हैं आपके, मतलब खर्चा बहुत हो गया है ना शुक्ला जी, समझिए बात तो। कहीं किसी मंदिर उंदिर देख के बढ़िया से शादी उदी कर लेते हैं। अरे नहीं नहीं, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, वहाँ की जो सारी अरेंजमेंट है ना वो क्लाइंट ने की है, आपको तो सिर्फ आना है। और सुनो, कम लोग ही आइएगा, क्योंकि क्या है कि कोरोना काल चल रहा है ना, तो ज्यादा लोग आएंगे तो सब ठीक नहीं होगा, सब कैंसिल हो जाएगा। उसके लिए निश्चिंत रहिए, हम नहीं लाएंगे। तो ठीक 10:30 बजे वहाँ पे आप पहुँच जाइएगा, क्योंकि इसी मंडप में कई दूसरे और शादियाँ करवानी है। ठीक है तो समय पे पहुँच जाना, वरना आप लटक जाओगे। ठीक है शुक्ला जी, हम टाइम पर पहुँच जाएंगे। आप क्या कह रहे थे शुक्ला जी, आलोक से रिश्ता तोड़ करके उस पुलिस वाले से शादी कर दे अपनी बेटी की, पर क्यों? क्योंकि अंदर से रिपोर्ट मिली है कि वो जो आलोक है ना वो ठीक लड़का नहीं है, शहर शहर जाकर नाबालिग लड़कियों के साथ शादी करता है और विदेश जाकर उसे बेच देता है, इसीलिए तो ये रिश्ता मैं तुड़वा रहा हूँ वो बूढ़े के साथ। पर पुलिस वाला क्यों? तो पुलिस वाला है तो अच्छी बात है ना, कुछ भी लफड़ा हुआ तो वो संभालेगा, मुझ पर भरोसा है ना। भगवान जितना। हाँ तो बस सब कुछ मुझ पर छोड़ दो, मैं सब देख लूंगा। अरे जो भी काम कर रहा हूँ मैं, वो लड़की की भलाई के लिए कर रहा हूँ। अब तो कल ही होगी।
चाहती। तो अब आगे क्या प्लान है मैडम सर? इस सब में सबसे इम्पोर्टेंट रोल है चीता का, वही निकलवाएगा लता का कन्फेशन। पर मैडम सर, लता हमको कहे कन्फेशन देगी? क्यों नहीं देगी, अगर हम सब कोशिश करेंगे तो ऑफकोर्स देगी। वैसे भी तुम्हारी शादी में हम सब भी चलने वाले हैं। हम भी जाएंगे शादी में मैडम सर? चीता के रिश्तेदार बनकर। पुष्पा जी बन जाएंगी चीता की अम्मी, संतोष बनेगी छोटी बहन, और बिल्लू बनेंगे चीता के पापा। हम बन जाएंगे बुआ या तो बड़ी बहन। बुआ? बड़ी बहन? मैडम सर, आपको कौन से एंगल से लग रहा है कि संतोष जी हमारी बहन बन सकती है? वो तो इतनी प्यार, देखिए वो आंख से मना भी कर रही है कि नहीं बनेंगी वो बहन। मजाक चल रहा है यहाँ पर चीता, ये बहुत सीरियस मैटर है, इसलिए जो कह रहे चुपचाप करो। मैडम सर कोई फायदा नहीं है, दो मिनट में पकड़े जाएंगे। क्यों, ऐसा क्यों बोल रहा है तू? नहीं, आप सबका तो ठीक है, लेकिन आपने कभी देखा है इतने बड़े दूल्हे का इतना यंग बाप? कौन से अंदर से मैं इसका बाप लगता हूँ? छोटे भाई तक तो ठीक है, हे बिल्लू, लेकिन बेटी की उम्र का बाप कौन मानेगा? चुप। मैडम सर, आप इन्हें तो छोड़िए, आप ये बताइए कि करिश्मा मैडम क्या बनेंगी? नहीं नहीं, हम कुछ नहीं बनेंगे, हमें ये सब नौटंकी अच्छा नहीं लगता, और हमें ये बचकानी चोचले बाजी से थोड़ा दूर रखिए। कोई बात नहीं करिश्मा सिंह, आपको वैसे भी ये बचकाने चोचले नहीं करने पड़ेंगे, हम आपको इस प्लान में इंक्लूड नहीं कर सकते। आपने लता के घर वालों को अपनी शक्ल दिखा दी है। बहुत बढ़िया, हमें आज्ञा दीजिए। कहाँ जा रही हैं? आप अपने तरीके से हैंडल कीजिए मैडम सर, हम अपने तरीके से हैंडल करेंगे, मंजिल दोनों की एक ही है। हाँ, लेकिन इतना भरोसा रखिएगा कि हम जो भी करेंगे उस बच्ची के भले के लिए करेंगे। नहीं नहीं मैडम सर, इन्हें कहीं मत जाने दीजिएगा, बाहर जाएंगी ना फिर नया बखेड़ा खड़ा कर देगी, इनको यहीं रोकिए। हाँ जाइए करिश्मा सिंह, अपने तरीके से करिए, हमें उम्मीद है कि आप सही डिसीजन लेंगी और ऐसा कोई काम नहीं करेंगी जिससे इस केस को कोई भी ठेस पहुंचे। कोशिश करेंगे मैडम सर। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।